अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सर? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं पोटैटो बॉल्स। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आलू, इनका बॉईल करके छिलका उतार लिए। एक प्याज लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया। एक हरी मिर्च लिया, उसको भी बारीक काट लिया। हाफ प्याज जो है वो आपके सामने चॉप करके दिखाती हूँ। टेबल स्पून हमने लिया मैदा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अनारदाना, आप चाहें तो अनारदाने को पीस सकते हैं। 1 कप हमने लिया दही, हम दही से मिक्स करेंगे। मिर्ची और प्याज भी अच्छे से चॉप हो गई हैं। थोड़ा सा लिया हमने हरा धनिया, इसकी बारीक कटिंग कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक, मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, पिसा गरम मसाला। मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। धनिया को हम बारीक काट लेंगे। हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, अनारदाना, अनारदाने को हमने धो लिया था। अब इसके अंदर डालेंगे दही 3 टेबलस्पून। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। आलू मैश कर लेंगे। 2 टेबलस्पून हमने दही और ऐड किया है, टोटल 5 टेबलस्पून हो गया। 4 टेबलस्पून मैदा, 4 टेबलस्पून। आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इनके बना लेंगे बॉल्स। लिए एक कढ़ाई, इसके अंदर हमने 2 से 3 कप डाला ऑयल और इसको हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया। 1 प्याली में हम लेंगे ऑयल, हाथों को लगाएंगे पहले ऑयल और फिर हम बनाएंगे बॉल्स। अपनी मर्जी से आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैंने इस साइज के बनाए हैं। और साथ साथ हम डालते जाएंगे। ये देखिए, इनको अच्छा सा ब्राउन से कलर आ गया। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए जी, मज़ेदार से हमारे पोटैटो बॉल्स हो गए हैं रेडी। बहुत मज़े के बने हैं, ये जूसी मज़े के बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर।